नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। दीपक जब भी हम प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, चाहे हम घर के पूजा स्थान पर जलाते हैं और मिट्टी के बर्तन की जब तक हम बात कर रहे हैं, खास करके जो मिट्टी के दीपक जलाते हैं या फिर हम घर की दहलीज पर जलाते हैं, तो ये कहाँ रखते हैं उसके बाद इन दीपकों को, क्या करते हैं आप इन दीपकों का? खास करके इस समय हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने दीपावली में मनाई होगी, उसके बाद हम देव दीपावली मना रहे हैं। देव दीपावली में खास करके तो बहुत सारे दीपक ही दान किए जाते हैं, दीपक ही ज्यादा प्रज्वलित करते हैं। कार्तिक महीने में बहुत सारे लोगों ने दीपक प्रज्वलित किए हैं और तुलसी मैया के आगे रोज एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आप उन दीपकों का क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं आप उन्हें? आपको लगता है कि हमने घर के बाहर दीपक जो प्रज्वलित किया तो कहीं भी रास्ते में चौराहों पे फेंक देंगे तो ये हमारा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, सामने वाले को नेगेटिविटी पकड़ लेगी? क्या आपने अच्छा कर्म किया तो कार्तिक मनाया ही क्यों आपने? ये जो पूरा महीना आपने स्नान किया, दान किया, पूजा की, दीपक प्रज्वलित किए, तो ये क्यों किया आपने? नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि आप उसके अंत में जाकर के आखिरी पड़ाव में पाप ही तो करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरे का खराब हो जाए हमारा अच्छा हो जाए, तो ये पाप कर दिया ना आपने, आपने अच्छा कहां किया? ये हमेशा जब भगवान का ध्यान किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है, तो वहां किसी दूसरे का बुरा नहीं किया जाता है, स्वयं का अच्छा करना, हमारे इर्द गिर्द अच्छा होना चाहिए, सबकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब ये मानसिकता के साथ आप ये सोच करके पूजा कर रहे हैं कि यहाँ तो दूसरे वाले को मैंने ठेस पहुंचानी है, तो वहां आपकी पूजा भी नहीं लग रही है। आप भूल रहे हैं ये चीज कि गड्ढा जब हम दूसरों के लिए खोदते हैं तो स्वयं गिरने की संभावना उसमें ज्यादा होती है। आप नहीं गिरेंगे तो आपके घर का कोई और सदस्य जाकर के उसमें गिर जाएगा, कूद जाएगा। तो कहने का मतलब आप अपने पाप से बाकियों को कष्ट क्यों तैयार कर रहे हैं? पाप एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका कष्ट, उसकी बैड एनर्जी का जो इफेक्ट होता है, वो पूरे परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ता है। तो स्वयं ही आपका रुकना, थमना और मुड़ना जरूरी है। तो पहले तो भाव ऐसे ही रखिएगा कि जब भी आप किसी कार्य को करें, आपका अच्छा हो, आपके इर्द गिर्द सभी का भला हो। कभी भी आप देखना, कोई भी जो पंडित जी हमारी पूजा कराते हैं, वो कहते हैं आपका भला हो, सबका भला हो, सबका भला कहते हैं। वो ये नहीं कहते सिर्फ आपका हो, बाकी आस पड़ोस में सबका खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूजा का फल तब मिलता है जब हम किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को निर्दोष नहीं सताते। तो पहला ध्यान आपने यहां रखना है। अब आपके दीपकों की बात करते हैं। दीपक जलाए थे, कहां रखे आपने, कहां फेंकने की तैयारी हो रही है? कहीं मत फेंकिएगा, आप ही का नुकसान है। जिन दीपकों को प्रज्वलित करने आपने मां को अपने घर में बुलाने का प्रयास किया है, मां लक्ष्मी को, तो उन दीपकों को तो आप जाके ऐसे फेंक रहे हैं। इसको एक सही दिशा दीजिए ताकि आपके ऊपर इसका प्रभाव अच्छा रहे। या तो इन दीपकों को आप अपने घर के गमले जो होते हैं, जहां आपने आंगनबाड़ी कर रखा है, कुछ चीजें आपने लगा रखी हैं घर के अंदर, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लोग गमले लगाते हैं, तो उन गमलों की मिट्टी के अंदर बीच में दबा दीजिए, ताकि समय आने पर वो धीरे धीरे गल करके वो भी एक मिट्टी का रूप ले पाए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं गलेंगे या बहुत समय तक नहीं डाल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे इसे, तो आपको एक और तरीका बताते हैं हम। आप इसे एक पानी के अंदर डिप कर दीजिए, कुछ समय तक इसे डिप रखिएगा, वो धीरे धीरे मेल्ट, क्योंकि मिट्टी के दीपक है, गलेंगे ही गलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर लोहा डाला हुआ मिट्टी के अंदर मिक्स किया है, तो मिट्टी के दीपक है तो गलेंगे जरूर। तो आपने जो प्लास्टिक पेंटेड है, वैसे उनकी दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, वो समय थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रॉ दीपक बने होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से घुल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो गाढ़ा पानी करके सारे गमलों में डाल दीजिए, आप ये कार्य कीजिए। अब आटे के दीपक बने हुए हैं, उनका क्या करेंगे आप? उन्हें आप बहते हुए जल में, जैसे आपने दीपक दान करे थे, वहां भी आप बहा सकते हैं, लेकिन हम जरूर इसका कहेंगे कि जैसे पीपल का पेड़ है या कोई एक अच्छा पेड़ है, बट वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के थोड़ा सा उसे चूरा करके फेंकिएगा,
ताकि वहां पे चींटियां वगैरह जो होती हैं वो उसे खा सके। किसी का भोजन का कर्म आप कर सके, किसी के भोजन का प्रबंध आप कर सके, तो जो उसको बहुत बारीक चूरा कर लीजिएगा और उसे आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा आपने चीनी का बूरा जरूर मिला लेना है। आप ये वहां करिएगा, देखिए आपके ऊपर दोष कभी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो दीपक प्रज्वलित करके चौराहे पे फेंक देते हैं, कहीं रास्ते में फेंक देते हैं, कभी कहीं भी पड़े हुए आपको मिलते हैं। देखिए आस्था भाव से आप पूजा करते हैं, लेकिन जो उसका समापन करते हैं ना वो बहुत ही बुरी कंडीशन में कई बार कर देते हैं। तो ये जो बुरी कंडीशन का समापन होता है ना, तो ये बुरा प्रभाव ही आपके ऊपर डालेगा, ये आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। हमेशा याद रखिए, जब आप शुरुआत किसी भी पूजा की बहुत अच्छे विधि विधान से करते हैं तो उसके समापन की गारंटी भी आप ही की है। आपने ही उसका समापन बहुत अच्छे विधि विधान सही तरीके से करना है, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव ना हो, आपके कोई भी दोष किसी भी तरीके का नहीं लगा हो। तो आज के बाद जिस वीडियो को आपने जब देखा है तभी से ही आपने चेंजेस लाने हैं। तो जितने भी दीपक आपको अपने घर के अंदर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, नहीं फेंके हैं तो फेंकिएगा मत। आप बहुत सारे लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, इतना निरादर कभी किसी की पूजा की जो सामग्री होती है जिसका इस्तेमाल आप इतने शौक से लेकर के आते हैं अपने घर में और उसके बाद हम उसका निरादर कर देते हैं, तो कभी भी हमें किसी भी चीज की पूजा सामग्री का निरादर नहीं करना चाहिए। इन दीपकों के माध्यम से ही तो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। जब तक जल रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे, तो आपकी नजर में उनकी बहुत वैल्यू थी, या जब तक आपने नहीं जलाए थे तो कितना संभाल संभाल करके आपने रखे थे। जब जलाए तब भी आपने यही सोर्स, यही माध्यम मां लक्ष्मी को बुलाने का किया था, लेकिन उसके बाद आपने इसका क्या किया? क्यों दीपक शांत हुआ तो बस मां लक्ष्मी गई क्या? नहीं, ये प्रभाव ही हमारी जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिसका हम नेगेटिव प्रभाव अपने जीवन के ऊपर डाल लेते हैं और फिर हम कष्ट झेलते हैं। तो ये कष्ट झेलने वाली संभावनाएं कभी तैयार नहीं करनी चाहिए। सो वीडियो को बहुत लोगों तक जरूर शेयर करना, और इसे आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। ये बहुत सारे लोग अपने घरों में अक्सर पूजाएं, विधि विधान ये सब करते रहते हैं, तो ये जनरली भी सिर्फ देव दीपावली की बात नहीं है, ये जनरली भी आप अपने घरों में जब पूजाएं करते हैं तो आप अपने दीपकों को कभी भी निरादर ना करें, उनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। माँ का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भूम का यानी भूमिपुत्र का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा, तो सभी देव देवताओं के साथ साथ ग्रहों का प्रभाव भी अच्छा आपके जीवन में होगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।